जेएनयू और जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन का एक बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस देश की ऐसी जगह है जहां पर हर मुद्दे पर डिस्कशन होता है, हर मुद्दे पर डिबेट होता है और यही एक लोकतंत्र की सही निशानी होती है। एक ऐसी जगह जहां पर आप हर मुद्दे को बगैर किसी हिंसा के ईमानदारी से डिस्कस कर सके, और आज उसी पर हमला किया जा रहा है। हमला सिर्फ जेएनयू के ऊपर नहीं है, हमला इस सोच के ऊपर है, इस ट्रेडिशन के ऊपर है, इस मानसिकता के ऊपर है जो ये कहती है कि किसी भी लोकतंत्र में लोगों को हर मुद्दे पर सोचना, डिस्कस करना, अपनी अपनी राय रखने की आजादी है। जब ये सवाल सेडिशन का खड़ा हुआ था, क्योंकि सेडिशन आपको पता होगा एक कॉलोनियल कानून है जो कि अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। सेडिशन में ये कहा गया स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसको सेडिशन माना गया, उसको सेडिशन लिखा गया। जब संविधान बना और संविधान में यह लिखा गया कि हर नागरिक को बोलने का, सोचने का, अपनी बात रखने का, प्रोटेस्ट करने का मौलिक अधिकार है, और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता असली मालिक है और बाकी जो सरकार है वो जनता के प्रतिनिधि है, तब यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में गया कि क्या ऐसा कानून संवैधानिक हो सकता है जो ये कहता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन स्प्रेड करें तो वो सेडिशन होगा, एक गंभीर अपराध होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सरकार के खिलाफ डिसअफेक्शन स्प्रेड करने को आप अपराध बना देंगे तो फिर आपकी बोलने की, आपकी सरकार के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता जो आपका मौलिक अधिकार है उसका तो हनन हो जाएगा, और इसलिए अगर इस कानून को संवैधानिक मानना है तो इसको रीड डाउन करना पड़ेगा। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में बोला, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक बहुत फेमस जजमेंट है, उसमें 7 जजों की खंडपीठ ने यह बोला कि सेडिशन अगर इसको संवैधानिक मानना है तो हमको ये कहना पड़ेगा कि सेडिशन का अपराध सिर्फ तब बन सकता है जब कोई जना हिंसा के लिए भड़काए लोगों को, अगर पब्लिक डिसऑर्डर के लिए भड़काए लोगों को। लेकिन बार बार ये देखा गया है, चाहे कुडनकुलम के जो प्रोटेस्टर्स थे, जो एक ऐसे खतरनाक परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो सबसे महंगा तरीका है और सबसे खतरनाक तरीका है जिसमें एक एक्सीडेंट से, जैसे कि फुकुशिमा में हुआ या वहां शर्नोबिल में हुआ, उससे हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आपको बिल्कुल सब लोगों को वहां से खाली करना पड़ेगा। क्योंकि वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन लोगों के खिलाफ, हजारों लोगों के खिलाफ सेडिशन के मुकदमे डाल दिए गए। बार बार ये कोशिश करी गई है कि जो लोग सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनको सेडिशन के अंदर बुक कर दिया जाए। ये जो प्रोटेस्ट हुआ यहां पर या जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, मुझे पता नहीं है किसने ऑर्गेनाइज किया,
अफजल गुरु को डिस्कस करना, अफजल गुरु सही में दोषी था या नहीं था ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, जरूर किया, लेकिन फिर भी इस देश में हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि उसको डिस्कस कर सके कि वो फैसला सही था कि नहीं। आप लोगों को हिंसा की तरफ भड़काएं या आप कुछ ऐसे नारे लगाएं जिससे कि लोग पब्लिक डिसऑर्डर की तरफ जाएं। अगर किसी ने उस तरह के नारे लगाए तो वो गलत था, वो गलत था। अगर किसी ने ऐसे भी नारे लगाए कि भाई जो जिन्होंने अफजल को फांसी दी उन लोगों को फांसी देनी चाहिए या उन लोगों को कुछ सजा देनी चाहिए, वो भी नारे गलत थे। लेकिन आप बगैर ये देखे कि क्या नारे लगे, किसने नारे लगाए, क्या किसी को हिंसा के उकसाया गया, क्या पब्लिक डिसऑर्डर के लिए उकसाया गया, अगर आप सिर्फ इस वजह से कि वो मीटिंग जेएनयू में हुई और जेएनयू के जो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उसको आकर गिरफ्तार कर लेते हैं और लोगों को जो और जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के लोग हैं, उनको हॉस्टल में जा जाके ढूंढने लगते हैं, स्टूडेंट्स को ढूंढने लगते हैं, तो ये तो सीधा सीधा फांसीवाद है। फांसीवाद का दौर आज नहीं शुरू हुआ है, कल नहीं शुरू हुआ, यह फांसीवाद का दौर तब शुरू हुआ जब मोदी की सरकार केंद्र में आई। उसके बाद अगर आप तब से आज तक का पूरा दौर देखें तो आप ये देखेंगे कि हर जगह एक एक करके सबसे पहले तो जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो दूसरी तरह के इंस्टीट्यूशंस हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, एनसीईआरटी, यूजीसी, इन सब जगहों पर अपने अपने आरएसएस के लोगों को बैठाने की कोशिश करी गई, चाहे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, और उसके बाद जगह जगह इस तरह के जो आरएसएस या आरएसएस से एसोसिएटेड संगठन हैं और उनके लोग हैं, उन्होंने जगह जगह माइनॉरिटीज को, दलित्स को और उन स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के यूनियन के लीडर्स को भी, जैसे इलाहाबाद में भी हुआ, तरह तरह से इंटिमिडेट करने की, उनको उनकी आवाज बंद करने की, उनको कुचलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। और यही दौर का कल्मिनेशन और जेएनयू में इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत कोशिश के बाद भी भाजपा यहां की यूनियन को कंट्रोल नहीं कर पाया है, यहां की इस तरह के स्लोगन्स ये एबीवीपी वाले, आरएसएस वाले आज लगाने लगे हैं, शट डाउन जेएनयू, शट डाउन, यानी कि आप लोगों का, जो ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर सचमुच लोग आजादी से सोचते हैं, आजादी से डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े मुद्दे, हर तरह के मुद्दे डिस्कस करते हैं, आप उस जगह को बंद करना चाहते हैं जिससे कि लोगों को की सोचने की आजादी पर रोक लग जाए, बोलने की आजादी पर रोक लग जाए, डिस्कस करने की आजादी पर रोक लग जाए और सिर्फ एक ही सोच चले जो इस तरह की फांसीवादी नेशनलिज्म की जो आवाज ये लोग उठाते हैं। आज सब जगह जा जाकर, शॉपिंग मॉल्स में जा जाकर, कोर्ट्स में जाकर लोगों को इंटिमिडेट करने की, लोगों को डराने की कोशिश करी जा रही है।
आज जो पटियाला हाउस में हुआ इसका मकसद यही था कि लोगों को, और उन्होंने बोला कि भाई जो आदमी खड़ा होगा हमारे खिलाफ, जो आदमी हमारे सोच के खिलाफ कुछ बोलेगा उसको हम पीटेंगे, उसको डराने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्य की बात है। अभी तक तो मोदी जी ये कहते थे कि या मोदी जी या बीजेपी वाले कि भाई जिन्होंने वो अकलक मोहम्मद अकलक को मारा दादरी में, ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, भाजपा के लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज जो जेएनयू के ऊपर असॉल्ट हो रहा है ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बिल्कुल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारा बीजेपी का टॉप ब्रास पूरा की पूरा इसमें इन्वॉल्व है। ये पूरे फासीवादी असॉल्ट जो आज जेएनयू पर चल रहा है इससे इनके पूरे पत्ते खुल गए हैं। लेकिन जैसा अजीत जी ने आपको बताया कि जो फांसीवादी लोग होते हैं वो डरपोक भी होते हैं, उनकी मेंटेलिटी वही होती है जो बुली की मेंटेलिटी होती है कि जब 10 लोग एक आदमी को घेर कर पीटना शुरू करते हैं तब तो ये बहुत उछलते हैं, और जब किसी अंग्रेज सरकार के सामने आ गए तो घुटने इसलिए ये सब सफल नहीं होने वाला। ये इनको लगता है कि हिटलर ने जैसे फासीवाद जर्मनी में चला दिया उस तरह से ये हिंदुस्तान में चला देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जब से मोदी की सरकार आई है इनकी पॉपुलैरिटी, मोदी की पॉपुलैरिटी, सरकार की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से गिरती गई है। और जो ये कहते थे कि भाई हम हिंदुस्तान को जो दावा किया था कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम बहुत तेजी से हिंदुस्तान में डेवलपमेंट ले आएंगे, वो सारे दावे बिल्कुल खोखले साबित हुए। भ्रष्टाचार का आज ये आलम है कि मोदी सरकार आज लोकपाल को बनने ही नहीं दे रही, गुजरात में 12 साल बनने नहीं दे रहे, आज यहाँ पर केंद्र में बनने नहीं दे रहे जबकि 2 साल हो चुके हैं उस कानून को आए हुए। आज भ्रष्टाचार का ये आलम है कि 2 साल तक सीवीसी में 3 में से 2 पोस्ट खाली रखी, और जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा तो फिर 2 बहुत भ्रष्ट लोगों को सीवीसी में अपॉइंट कर दिया। आज भ्रष्टाचार का ये आलम है कि राइट टू इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। जो विसिल ब्लोअर कानून है उसको खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, अभी तक उसको नोटिफाई नहीं किया है, लेकिन नोटिफाई करने से पहले एक अमेंडमेंट ले आए हैं जिसमें यह कह दिया है कि जब तक विसिल ब्लोअर, अगर कोई विसिल ब्लोअर ऐसी सूचना देता है भ्रष्टाचार के बारे में जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन से हर नागरिक को नहीं मिल सकती, तो उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में विसिल ब्लोअर को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ऐसा अमेंडमेंट। और तो ब्लैक मनी का कहते थे कि भाई हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए हम बाहर से